गुड मॉर्निंग बच्चों, युग निर्माण की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम सरफेस केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, ठीक है। मैंने बताया था कि सरफेस केमिस्ट्री में तीन चैप्टर्स को इंक्लूड किया गया है बिकॉज दे आर रिलेटेड टू सरफेस। उसमें से मैंने कैटालिसिस ख़त्म कर दिया था लास्ट वीडियो तक। मैं आपने चार वीडियोस की पढ़ी हैं, मैंने ख़त्म कर दिया उसको। अब कोलाइड शुरू करना है, ये सरफेस रिलेटेड है, ठीक है। और सरफेस केमिस्ट्री का मेन पार्ट है, मतलब ये कि सबसे बड़ा चैप्टर, सबसे ज़्यादा कंटेंट इसी में है, ठीक है। तो पहले कोलाइड है क्या? कोलाइड एक सॉल्यूशन है, ठीक है। लेकिन इसको अलग, उस जैसे सोल्यूशन वाला चैप्टर पढ़ाया तो इसको अलग क्यों रखा गया? क्योंकि ग्राहम्स ने जब सबसे पहले परचमेंट मेम्ब्रेन के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, पिछली कक्षाओं में आपने पढ़ा होगा परचमेंट मेम्ब्रेन, तो परचमेंट मेम्ब्रेन में जब अलग अलग सब्सटेंस का सोल्यूशन उस पर डाला और ऑब्जर्व किया कि उससे कौन कौन से पदार्थ या कौन कौन से सोल्यूशन पास आउट हो जाता है, उस आधार पर उन्होंने सोल्यूशन का क्या किया, डिवीजन किया, ठीक है। तो ग्राहम्स ने जो परचमेंट मेम्ब्रेन से सब्सटेंस के सोल्यूशन बनाए थे उसमें देखा कि कुछ सोल्यूशन उस परचमेंट मेम्ब्रेन से पास आउट हो जा रहे हैं और देखा कि कुछ पास आउट नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो जो पास आउट हो गए वो किसके सोल्यूशन थे? वो जैसे शुगर वाटर, ठीक है, साल्ट वाटर, यूरिया वाटर वगैरह वगैरह के, इस तरह के सोल्यूशन होते हैं, जैसे कि आप जैसे अब नॉर्मली देखते हैं घर पर, ठीक है। तो उसको जब परचमेंट मेम्ब्रेन से डाला तो देखा कि कम्प्लीटली सोल्यूशन पास आउट हो गया, ठीक है। तो एक्चुअली जैसे मैंने बताया कि शुगर है, तो शुगर को आप देखें तो क्रिस्टल फॉर्म में होता है, ठीक है। नमक जो है वो क्रिस्टल फॉर्म में होता है, ठीक है। यूरिया जो है वो क्रिस्टल फॉर्म में होता है, इसलिए इसके सोल्यूशन को उन्होंने नाम दिया क्रिस्टलॉइड। क्या नाम दिया? क्रिस्टलॉइड, ठीक है। और ऐसे सोल्यूशन जिसके कम्प्लीटली, जिसका सोल्यूशन परचमेंट मेम्ब्रेन से पास आउट नहीं होता है, ठीक है, उसे क्या नाम दिया? कोलाइड्स। अभी कोलाइड्स, अभी जिसका मैंने बताया कि वो क्रिस्टल फॉर्म में रहता है तो इसलिए इसका नाम क्रिस्टलाइड रख दिया, तो इसका नाम काहे कोलाइड रखा गया? तो ये एक ग्रीक वर्ड है, आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि ये सर ये ग्रीक वर्ड होता क्या है, ठीक है। हमारी हिंदी है, हमारी भाषा क्या है? मातृभाषा, मातृभाषा नहीं, हमारी जो भाषा है वो क्या है? हिंदी है। और हिंदी की उत्पत्ति किससे हुई है? तो हम मानते हैं कि संस्कृत से हुई है। उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है? तो कहते हैं कि डमरू जी, शंकर जी के डमरू से निकला था। तो हमारी जो नेशनल की जो हिंदी भाषा है उसे माना जाता है कि संस्कृत से उसकी उत्पत्ति हुई है। वैसे ही जो जापानीज वगैरह हैं, ठीक है, जापान की कुछ लैंग्वेज या अलग ग्रीक देश की जो लैंग्वेज है वो ग्रीक भाषा से ली गई है, और वहाँ से जो वर्ड्स की फॉर्मेशन होते हैं, जहाँ की मीनिंग होती है, उस मीनिंग के आधार पर उसको बनाया जाता है। जैसे कि अब एग्जांपल देख लीजिए, ये जो वर्ड है कोलाइड, ये कोला शब्द से बना है और ऑयड्स, ये कोला और ऑयड्स। कोला का मतलब होता है ग्लू, ऑयड्स मतलब सोल्यूशन, ठीक है। एक हो गया ग्लू और एक हो गया सोल्यूशन, ठीक है ना।
तो इस दोनों को मिलाने से ये कोलाइड्स बना है। अब आते हैं कोलाइड्स के डेफिनेशन पर। तो उन्होंने ये कहा, अभी पहले इस पर सोचिए कि कोलाइड्स क्या होते हैं। कोई एक सोल्यूशन टाइप का है जिसमें एक सल्यूट और एक सॉल्वेंट मिले होते हैं, ठीक है, दो चीज़ उसमें मिक्स होते हैं, ठीक है ना। तो अब क्या देखा जाए कि इस कोलाइड्स में जब सल्यूट पार्टिकल या सोल्यूशन का साइज, सोल्यूशन के जो पार्टिकल का साइज है वो 50 एंगस्ट्रॉम से 2000 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कोलाइड्स कहते हैं। दो चीज़ से मिलके बना है, मैंने बताया इसको कि क्या किससे किससे मिलके बना होता है, एक सॉल्यूट और दूसरा सॉल्वेंट। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि इसमें हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट नहीं कहेंगे, इसमें इसका नाम चेंज रहेगा। सॉल्यूशन जब होता है तब कहते हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट, ठीक है, और उस तरह क्या होता है कोलाइड्स में इसका नाम चेंज हो जाता है। इसमें कोलाइड्स में इसका नाम डिस्पर्सन मीडियम और डिस्पर्स फेज रखा गया है, ठीक है। क्या हुआ था, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, तो इसका नाम होता है डिस्पर्सन मीडियम और इसका होता है डिस्पर्स फेज, ठीक है, ये दोनों इसका कन्वर्टेड नाम है, ठीक है ना। नेक्स्ट, अब कोलाइड्स कितने तरह के होते हैं, टाइप्स ऑफ कोलाइड्स। सेम सॉल्यूशन की तरह है, ठीक है, वही कौन कौन से होते हैं, गैस प्लस सॉरी सॉलिड प्लस सॉलिड, सॉलिड प्लस गैस, सॉलिड प्लस लिक्विड, लिक्विड प्लस सॉलिड, लिक्विड प्लस गैस, लिक्विड प्लस लिक्विड, गैस प्लस सॉलिड, गैस प्लस लिक्विड और गैस प्लस गैस। उस सॉल्यूशन में और कोलाइड्स में बस यही डिफरेंस है कि इसमें गैस और प्लस गैस बनता है, क्योंकि जो नेचुरल गैसेस है ये एयर है, ये क्या है, एक कोलाइड्स का एग्जांपल में आता है। मिस्ट वगैरह है जिसे ये आपने देखा होगा, ये सारे इसमें एग्जाम्पल्स में बता दूँ, मिस्ट है, वो ड्यू है, या फिर क्या नाम है, जेम है, जेली है, शेविंग क्रीम है, टूथपेस्ट है, ठीक है, ये सारे के सारे से क्या हैं, एक कोलाइड्स के एग्जाम्पल में ऐसे आते हैं, ठीक है। तो इतने टाइप्स के आपके कोलाइड सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है ना। कितना मीठो, हाँ, तो बच्चों आपने वो एक बेसिक उसे के जो सॉल्यूट पार्टिकल और सॉल्वेंट है, मतलब कि डिस्पर्सन डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम के आधार पर आपने देखा कि कोलाइड्स कितने टाइप के होते हैं। अब देखिए कि जब दोनों डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम दोनों आपस में मिक्स हो जाते हैं उस आधार पर कोलाइड्स कितने तरह के होते हैं, ठीक है। तो दो तरह के होते हैं, लायो
सिलिक सॉल। ध्यान रखिएगा इस सॉल का मतलब कोलाइड सॉल्यूशन होता है, ठीक है। दूसरा होता है लायोफोबिक सॉल, ठीक है। दो तरह के हुए। एक बार क्या हुआ, बोर्ड एग्जाम में इन दोनों के नाम को छोड़कर इसकी जगह इसी का दूसरा नाम दे दिया, बच्चे कंफ्यूज हो गए थे उस बार। तो इसका एक और नाम है, लिखा है लायोफिलिक सॉल, तो इसका दूसरा नाम है हाइड्रोफिलिक सॉल, और इसका नाम है हाइड्रोफोबिक सॉल, ठीक है। अब हम इसके बारे में जानते हैं। पहला पॉइंट इसी को देखते हैं, पहले वाले को, लायोफिलिक। ध्यान रखिए ये वर्ड किससे बना है, लायो का मतलब होता है, लायो का मतलब वाटर, और फिलिक का मतलब, फिलिक का मतलब होता है लवर, प्रेमी, ठीक है। उसी तरह इसमें भी क्या होता है, हाइड्रो का मतलब वाटर और फिलिक का मतलब लवर होता है, मतलब ऐसे सब्सटेंस। डेफिनेशन ध्यान से सुनिएगा, ऐसे सब्सटेंस जो पानी के साथ, ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो वाटर के साथ आसानी से कोलाइड सॉल्यूशन बना लेता है उसको लायोफिलिक सॉल या हाइड्रोफिलिक सॉल कहते हैं, ठीक है। फिर से रिपीट करते हैं, ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो वाटर के साथ मिक्स होकर, उसके साथ मिलकर आसानी से क्या बना लेता है, सॉल बना लेता है, उसको क्या कहते हैं, लायोफिलिक सॉल कहते हैं, और उस या हाइड्रोफिलिक सॉल कहते हैं। दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा दूसरा पॉइंट है इसका लायोफोबिक सॉल या हाइड्रोफोबिक सॉल, ठीक है। लायो का मतलब मैंने बता दिया क्या होता है, वाटर। फोबिक का मतलब होता है हेटर, ठीक है। लायो का, हाइड्रो का मतलब बता दिया मैंने कि वाटर, फोबिक का मतलब हेटर, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन सुनिए, ऐसे वे सारे हाँ, तो मैंने इसमें लायो का मतलब बता दिया है वाटर, फोबिक का मतलब बता दिया है कि हेटर होता है, हाइड्रो मतलब वाटर, फोबिक मतलब हेटर, मतलब ये कहना है कि ऐसे सारे सब्सटेंस जो वाटर के साथ मिक्स आसानी से नहीं होते हैं, आई मीन टू से जो वाटर के साथ आसानी से कोलाइड सॉल्यूशन नहीं बनाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे लायोफोबिक सॉल या हाइड्रोफोबिक सॉल कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका लायोफिलिक और लायो हाइड्रोफोबिक सॉल। हाँ तो बच्चों ये आपका दोनों मैंने लायोफिलिक और लायोफोबिक दोनों के बारे में बता दिया, बोर्ड एग्जाम में इसके डिफरेंस पूछता है, ठीक है। और डिस्पर्सन मीडियम और डिस्पर्स फेस में डिफरेंस पूछता है, दोनों चीज ठीक तैयार कर लीजिएगा। क्रिस्टलाइड का डेफिनेशन पूछते हैं, तो इसकी भी डेफिनेशन तैयार कर लीजिएगा। और अब आता है देखिए, जो लायोफिलिक साल है वो तो आसानी से वाटर मिल का सोल्यूशन बना लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब लायोफोबिक जो है, जो आसानी से मिक्स होकर नहीं बनाते हैं, उसको बनाने का हम मेथड पढ़ेंगे, ठीक है। तो उस मेथड को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।